हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल, साड़ी के लिए चार इजी सेल्फ बन हेयर स्टाइल बता रही हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। एंड मेरे चैनल पे रात को 8 से 10 बजे के बीच में लाइव आती हूँ और लाइव में आप लोग को पार्लर से रिलेटेड चीजों को समझाती हूँ एंड प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दिन में आपको हेयर स्टाइल से रिलेटेड एंड बहुत सारी हेयर केयर टिप्स वगैरह आपको मिलती रहती है। मेरी शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको काफी ज्यादा जानकारियाँ देखने को सीखने को मिलती हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियो जा रही है डे बाय डे, पूरी बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रीति तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है, तो आप सर्च करके भी उसको देख सकते हो। इंस्टा आईडी प्रीति तिवारी 24 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। लाइव में मैंने डमी पे करके दिखाया था, बट अभी मैं सेल्फ करके दिखाने वाली हूँ सारी हेयर स्टाइल। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है बीच की मांग निकालनी है, डोनट बन चाहिए, यूपिन चाहिए, और किस तरीके से करना है देखते हैं। इतने छोटे और पतले बालों पे हो पाता है या नहीं, वो तो जाना चाहिए। वैसे वेडिंग सीजन चल रहा है, अगर बाल कम है आपके, मेरी तरह छोटे हैं पतले हैं, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। आदिवासी का जो ये वाला हेयर ऑयल है, जैसे पहले मैंने जो मंगाया था वो तो सीरम टाइप का था, पानी जैसा, बट अभी मैंने मंगाया है वो ऑयल जैसा है और काफी थोड़ा ज्यादा लग जाता है तो ये निकल नहीं रहा। मैंने आज हेयर वॉश किया बट ऑयल निकला नहीं है बढ़िया से। नीलम गिरी करके आ रहा है वो हेयर ऑयलिंग है आदिवासी का, तो वो भी अच्छा है हेयर फॉल के लिए, ठीक है। देखते हैं, अभी तक तो मेरा पूरा 100% नहीं रुका है हेयर फॉल, जैसा कि इन लोग की गारंटी थी कि 100% आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से बालों को कॉम करेंगे। एक पोनी बना लेंगे। इस तरीके से करना है आपको हाफ ईयर हेयर, नीचे हेयर को छोड़ देंगे और ऊपर में इन हेयर को आगे की तरफ कर ले रहे हैं और ऊपर वाले हेयर में रबड़ बैंड लगाएंगे। रबड़ बैंड लगाने के बाद से क्राउन एरिया के हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे ताकि थोड़ा मैसी लुक आ जाए और क्राउन एरिया पे बहुत ज्यादा फ्लैट लुक ना आए। अब आपको क्या करना है, लेना है डोनट बन और जहां पे आपका रबड़ बैंड है वहां पे इसको लगाना है और यू पिन से सिक्योर कर देना है। कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, चारों तरफ से यू पिन से अच्छे से सिक्योर कर देना है। ओके, अब आपको क्या करना है, ऊपर का जो हेयर है उसको छोड़ देंगे एंड नीचे वाले हेयर में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, कैमरे को कुछ ऐसे सेट करते हैं ताकि सीधे मुझे दिखाई दे हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर वाला हेयर है उसको छोड़ देंगे, नीचे वाले हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड अपर डायरेक्शन में इस तरीके से कॉम करके ले जाएंगे। ओके, और ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे और ये जो हेयर है इनके नीचे से लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर करेंगे। ओके, काफी बन अच्छा बन बन के यहाँ पे रेडी होने वाला है और वेडिंग सीजन आ रहा है तो ये बन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब दूसरी साइड का भी हेयर ऐसे ही लेंगे और ऊपर से कॉम करेंगे, इस तरीके से डोनट बन के ऊपर से लेके जाएंगे और नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और यू पिन से सिक्योर करेंगे। ओके, अब बारी आती है जो हमारे नीचे के हेयर बचे हुए हैं इनके, इनको कैसे सेट करना है।
तो उसके लिए कुछ यूपिन और निकाल लेंगे। अब इन बालों को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड से लेकर आएंगे और डोनट बन को कवर करते हुए इस तरीके से डोनट बन को अच्छे से छुपाते हुए ट्विस्ट करेंगे और यहाँ पे सिक्योर कर देंगे दूसरी तरफ से। अब आप चेक करोगे कहीं से डोनट बन दिख रहा हो तो उसको अच्छे से हाइड कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरी साइड का जो हेयर है उसको भी लेंगे और इस तरीके से डोनट बन के ऊपर से लेके जाएंगे, डोनट बन को ट्विस्ट करेंगे, हेयर को ट्विस्ट करेंगे एंड डोनट बन के साथ सिक्योर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। अब एक बड़ा वाला यूपिन लेंगे क्योंकि हमारा जो बन है वो नीचे से इस तरीके से उठ रहा है, तो उसको इस तरीके से फ्लैट करेंगे हाथ से और यूपिन लगा देंगे। ओके, अब जो ये साइड के हेयर बचे हैं इनको आप ट्विस्ट करके यहीं पे सिक्योर कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब दूसरी साइड का भी हेयर लेंगे और इस तरीके से राउंड राउंड में घुमा देंगे और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से। तो ये जो है बन हमारा बन के रेडी हो गया है सिर्फ और सिर्फ एक डोनट बन से और साड़ी भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपका जो डोनट है वो डोनट बन दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप अच्छे से हेयर को फैला के डोनट बन को हाइड कर दीजिएगा अच्छे से। तो कैसा लग रहा है आपको ये बन? आई होप कि पसंद आया हो। और सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ कर सकते हो आप, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से होल्ड हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये बन आपका टिका रहेगा। वेडिंग सीजन चल रहा है तो वेडिंग में आप बना सकते हो। और फ्रंट से जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो अगर आप बन ढूंढ रहे हो तो इस तरीके से बना सकते हो। इसके साथ आप ज्वेलरी, बड़ी बड़ी ईयरिंग्स वगैरह ट्राई कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छे लगेंगे। और लहंगे, साड़ी सबके साथ ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल सबसे पहले देखने के लिए। आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो और इनको कर्ल कर सकते हो फ्रंट से, ऊपर से एंड साइड से। ओके, तो पहले ही निकाल लीजिएगा अगर आपको लेयर निकालना है तो। बाय बाय।